अभी सुबह के 11:30 बजे हैं और अभी जस्ट मैंने झाड़ू लगाया। कुछ बोलोगे? आपने पिछले वाले ब्लॉग में देखा था कि मैंने सारे बर्तन वर्तन सारे वहीं बैठ के समाधि पे बैठ के धोए हैं। तो फिर मैंने ना नहाया और उसके बाद ना क्या कहते हैं ये सारा झाड़ू पोछा लगा रही हूँ अभी, क्योंकि देखो काम चल रहा था घर में और इसलिए ना मैं सबसे पहले ना बर्तन वर्तन सारा धो धा के उसके बाद मैंने सोचा कि चलो कोई ना अभी ना झाड़ू लगा लेते हैं फटाफट से, पूजा भी करना है तो अभी झाड़ू पोछा करूँगी उसके बाद पूजा करूँगी। थोड़ा काम अगर चेंज हो जाता है ना तो दिमाग ख़राब हो जाता है कि यार जो चीज़ रूटीन लगा के हम करते वो चीज़ ना अलग अलग हो जाता है। तो कुछ दिन तक तो होगा ही क्योंकि मेरे घर पर काम चल रहा है तो ये तो सिचुएशन आना ही है। तो किचन भी काफ़ी मैस पड़ा है क्योंकि किचन में मैं बर्तन धो नहीं पा रही हूँ, सिंक भी गंदा पड़ा है तो वो भी मैं साफ़ नहीं कर पा रही हूँ कुछ दिन से, क्योंकि पूरा कबाड़ खाना हो रखा है मेरा किचन। और मेरा ये बाथरूम होने के बाद ना फिर मैं यहाँ पे किचन में ना रैक लगवाऊँगी, मैंने बोला है हस्बैंड को, क्योंकि मेरा किचन ना बहुत बेकार दिखता है बाहर से। क्योंकि देखो ये पूरा खुला पड़ा है ना तो मुझे मॉडुला करवाना है, अगर मॉडुला नहीं करवाऊंगी ना तो फिर अच्छा नहीं रहेगा, चूहे मुहे घुस जाएंगे पता नहीं कहाँ से क्या। वैसे तो चूहे आते नहीं है मेरे रूम में क्योंकि बिल्लियाँ रहती है घर में, तो इसलिए चूहे तो है नहीं घर में, बट कॉकरोच वॉकरोच का भी डर रहता है। और अगर मैं वो मॉडुला करके रखूँगी ना तो फिर कॉकरोच वॉकरोच का कोई डर नहीं रहेगा, सब मतलब बंद रहेगा तो कहाँ से कॉकरोच घुसेगा। तो देखो यहाँ पे सारे जो माधव के कुछ कपड़े हैं ये सारे फैले पड़े थे ना तो इनको भी मैं साफ़ कर ले रही हूँ, और बेड में ना मतलब काफ़ी गंदा पड़ा है। और ये कुछ गीले वाले कपड़े थे उनको मैंने बाहर टांग दिए हैं। और अभी माधव का दूध का बोतल ना मुझे गर्म करना है और क्या कहते हैं अभी बनाना है लंच, तो फटाफट से हमें लंच भी बनाना है। तो चलो पहले ना हम मिर्च तोड़ के लाते हैं, और ये मिर्च ना काफ़ी पुराना मिर्च का पेड़ है गाइस, कम से कम 3-4 साल हो गया है, और ये जो मिर्च है ना गाइस बहुत तेज मिर्च है। अभी ही खा लेना है क्योंकि फ्रिज ना खराब है हमारा, तो अभी खा लेते हैं। तो पी लेते हैं। खोलो। ये वाला सही है ना? मैं सफेद वाला ले आ रहा था लेकिन माधव उठेगा तो माधव को भी थोड़ा सा पिलाएंगे। इस रूम के जो कपड़े हैं ना ये तो मेरे ख़त्म ही नहीं होते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो आज साफ़ कर ही लेते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम से फैला पड़ा है। मतलब मैं लेके आती हूँ बाहर से सीधे इसी बेड पे धड़ाम से रख देती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई मेरे खिड़की से देखे तो क्या सोचेगा, सोचने तो जो सोचेगा। अभी टाइम नहीं मिलता है मुझे यार, मैं अपने आप को खुद को टाइम नहीं दे पाती हूँ। मैं सोचती थोड़ा रील बनाऊँगी, मस्त मस्त रील बनाऊँगी, बट रील भी नहीं बना पाती हूँ गाइस, बहुत गुस्सा आता है, टाइम नहीं मिलता है पता है। तो देखो यहाँ पे मैंने एक ना पायल ऑर्डर दिया था मीशो से, और ये वाला जो पायल है ना काफ़ी अच्छा है, इसमें ना झुनझुना नहीं है, मेरे को वो झुनझुना वाला पायल पसंद नहीं है। मेरे हस्बैंड बोलते हैं रात को जब वो झुनझुन बजता है ना तो अच्छा नहीं लगता है मुझे, तो इसलिए तुम ना ये पायल बिना झुनझुन वाला ही पहना करो, हर दिन में तुम ना वो जो झुनझुन वाला पायल है ना वो वाला पहना करो बजने वाला। तो इसलिए मैंने बोला कि चलो कोई ना परमानेंट के लिए जितने दिन चल रहे उतने दिन चलने दो, मैं इसको खरीद ही लेती हूँ और जब ये टूट जाएगा फिर झुनझुन वाला ये पहनूंगी मैं, क्योंकि देखो जो रियल वाला जो पायल है ना उसकी तो बात ही अलग है और जो वैसे नॉर्मल है वो तो नॉर्मल ही है यार। तो देखो यहाँ पे अभी आ गई हूँ मैं किचन में फिर से और अभी बनाऊँगी लंच। लंच में बन रहा है दाल का पकौड़ा, पकौड़े की सब्जी, तो
बहुत टाइम से ना हमने अच्छा खाया नहीं है, मतलब नॉनवेज तो खाया है लेकिन वेज के अंदर अच्छा सा कुछ खाया नहीं है, तो मैं दाल के पकोड़े का सब्जी बनाऊंगी। और डायरेक्ट ना मैं रात के लिए भी बना दूंगी, क्योंकि रात को कौन खाना पकाए। तो इसमें ना थोड़ा प्याज लहसुन और हरी मिर्च भी ऐड करूँगी, और तो जो पाउडर जो मसाला है वो तो ऐड करना ही है, तो वो मैं बाद में कर दूँगी। तो दो चार प्याज मैं डाल दी हूँ इसमें, कम से कम दो चार नहीं मतलब दो ही डालूँगी, ज़्यादा प्याज रहेगा ना तो फिर अच्छा लगेगा खाने में। सो गाइस थोड़ा सा ही दाल मैंने मतलब एक कप के अनुसार मैंने एक और डेढ़ कप के अनुसार मैंने दाल लिया था, तो उसको अच्छे तरीके से पीस लिया था मैंने, दरदरा पीस लिया था, एकदम मैश नहीं करना है, मैश वाले ना उतने अच्छे नहीं लगते, मतलब वो अजीब सा हो जाता है, और ये दरदरा वाला ना मतलब थोड़ा अच्छा लगता है खाने में। सो अभी मेरे को ना कूड़ा भी फेंकना है, देखो ये कितने सारे कूड़े हो गए हैं, इनको भी फेंकना है, अभी गाड़ी वाले भैया आएंगे ना तो फिर उनको दे दूँगी। और अभी बना रही हूँ मैं, देखो ये हरा मिर्च, ये बहुत तेज़ मिर्च है गाइस, ये दिखने में क्या है ना, ये बहुत तेज़ मिर्च है। और वॉइस आ रही होगी, डफी चिल्ला रही है क्योंकि मैं सामने वाले रूम में वॉइस रिकॉर्ड करती हूँ, पीछे वाले रूम में वॉइस नहीं देती क्योंकि पीछे ना माधव रहता है और वो कभी भी उठ सकता है, तो इसलिए ना मैं हस्बैंड के पास छोड़ के आती हूँ और मैं सीधे मैं सामने वाले रूम में आ जाती हूँ। और सामने वाले रूम में कभी डफी चिल्लाती है तो कभी बाइक का आवाज़ होता है, तो कोई ना कोई आता जाता है तो फिर दिक्कत हो जाता है, तो इतना तो चलता ही है यार। माधव से तो सही है क्योंकि माधव एक बार चिल्लाएगा ना फिर थमने का नाम ही नहीं लेगा, मतलब बहुत चिल्लाएगा फिर वॉइस बहुत करेगा, तो इसलिए मैं इधर ही चली आती हूँ सीधा। और जब गाड़ी घोड़ा जब जाता है ना तो तब मैं वॉइस बंद कर देती हूँ, फिर एडिट करके कट करके फिर से मैं वॉइस देना शुरू कर देती हूँ। तो देखो यहाँ पे छोटे छोटे मैंने ये बड़ा टाइप का बनाया है, और साथ साथ मुझे बहुत सारा काम भी करना है, आज काफ़ी लेट भी हो गया है गाइज। आप लोगों ने देखा होगा पिछले वाले ब्लॉग में कि मैंने सबसे पहले ना बर्तन धोए, कपड़े धोए, उसके बाद ये मैंने क्या कहते हैं झाड़ू पोछा लगाया, पूजा किया। तो देखो ये मेरा पकोड़ा बनके रेडी हो गया है, और जब ये बना था ना काफ़ी टेस्टी बना था गाइस। और ये देखो बिल्लो रानी भी आई है आज, ये आती नहीं है आजकल, इसकी मम्मी इसको भगाने लगी है बहुत, क्योंकि अभी बड़ी बड़ा हो गया है ना, तो इसलिए फिर इसकी मम्मी भी भगाने लगी कि अब कितना मेरे पे निर्भर रहेगा तू। तो शाम को जाऊंगी थोड़ा मायका, क्योंकि वहाँ पे ना मामी आई है मेरी, तो मामी ने ना ब्लाउज़ बनाया है तो उनसे लेने जाना है। और यहाँ देखो यहाँ पे मैं मम्मी मामी के लिए ना ले रही हूँ चॉप एंड पकोड़ा, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा वीडियो बनाया जाए। और ये देखो अंडा, ये सारे बॉयल अंडे हैं, पता नहीं इनका बिकता है कि नहीं। और यहाँ आई हूँ मैं कॉस्मेटिक के शॉप में, इन्हीं से मैं लेती हूँ, ये महान आदमी आप सभी को बोला जाता है कि अरे ईद आओ ना मुझे। तो देखो यहाँ पे अभी घर पे आ गई हूँ, और मैं सारे पकोड़े जो है ना वो सारे परोस रही हूँ। और यहाँ ना जो ये बुनू है ना, ये ना मेरा फ़ोन ढूंढ रही है कि मेरा फ़ोन कहाँ है, जीजू का फ़ोन कहाँ है, ये ना फ़ोन पे बहुत निर्भर रहती है ये ना, मतलब फ़ोन वैसे नहीं आएगी, अगर मैं उसको फ़ोन दूँगी ना तो आएगी मेरे पास, मतलब मेरे पास उसके जीजू के पास, क्योंकि उसके जीजू के पास ना वो आती नहीं है, बट फ़ोन के लिए वो आएगी ज़रूर। और यहाँ पे मम्मी भी आ रही है थोड़ी देर के बाद, यहाँ पे है चटनी, हरी चटनी, काफ़ी टेस्टी बनाता, जहाँ पे मैं गई थी ना पकोड़े लाने वो काफ़ी अच्छा पकोड़े बनाता है, तो अच्छा भी लगा खा के। तो गाइस मैं आ गई हूँ घर, और घर आने के बाद अभी माधव को आई हूँ काफ़ी तेज नींद, तो अभी उसको सुला रही हूँ, सुलाने के बाद हम खाना वाना खाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे मेले में। सो गाइज़ अभी हम जा रहे हैं मेला, और हस्बैंड अभी तैयार हो गए हैं और मैं भी ऐसे तैयार हो गई हूँ, ये पहना है मैंने साड़ी, न्यू साड़ी, और मैं सोचा कि आज सूट पहन के जाऊँगी, बट नहीं, क्योंकि ना आज ना थोड़ा उधर भीड़ कम रहेगा और कल नवरात्रि है तो कल भीड़ ज़्यादा रहेगा, इसलिए मैं कल सूट पहन के जाऊँगी, आज साड़ी पहना है। तो चलो अभी चलते हैं मेला।